अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें नीचे साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर हैं, मतलब नीचे अगर साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर आएगा तो तुम्हें क्या करना है? जब भी ये सिचुएशन आएगी तो पहला काम करना होगा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। हमेशा याद रखोगे कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद रिप्लेस सेक स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इफ एनी इन डेनोमिनेटर। सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स रख देंगे डेनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में नहीं रखना है, ध्यान रखना। उसके बाद पुट टेन एक्स इक्वल टू टी, फिर टेन एक्स को टी मानना। तो ये नोट कर लो, फिर मैं बता रहा हूं कि कैसे इसके क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन करना पड़ेगा। जिन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया वो साथ साथ कर सकते हो। पहला काम मैंने क्या बताया था, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। तो ऊपर बन गया सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 अपॉन कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर, नीचे 3 अपॉन कोस स्क्वायर 3 सेक स्क्वायर एक्स साइन अपॉन कोस 10 स्क्वायर एक्स। फिर हमने बताया था कि जो डेनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स होता है उसकी जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये ब्रैकेट खोल देंगे, तो ये हो गया 3 प्लस 5 10 स्क्वायर एक्स। इसके बाद मैंने बताया था कि 10x को t मानना है, तो 10x को t मान सकते हो, या फिर एक काम कर लेना चाहिए, 10 को तो लेना ही है, इसको अंडर रूट 5 ले लो ताकि पूरा होल स्क्वायर बन जाए। तो अंडर रूट 5 10x को t मानेंगे। डेरिवेटिव कर लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन अंडर रूट 5। तो ये हमारा बन गया डी टी रूट 5, नीचे आ गया रूट 3 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर।
अब यहां पे हम यूज कर लेंगे वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, वन अपॉन ए टेन इनवर्स टी अपॉन रूट थ्री, वन अपॉन अंडर रूट फिफ्टीन टेन इनवर्स टी की जगह हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारी फॉर्म हो गई जिसमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में साइन, सॉरी न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में अगर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर या दोनों आ जाए तो हमें ये करना होगा। ठीक है।